ओम शांति। कॉल ऑफ टाइम के संदर्भ में मैं कहना चाहती हूँ कि आज का समय कलयुग अंत का है। कलयुग अंत के बाद सतयुग शुरू होगा, तो इस समय को हम संगम युग कहते हैं। दो कल्प का संगम हम देख रहे हैं। एक तरफ बुराइयां बढ़ती जाती है, पाप अत्याचार व्यभिचार बढ़ते जाते हैं, और जब से यह रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है तब से महंगाई बहुत बढ़ गई है। विशेष यूके यूरोप आदि देशों में तो कहते हैं या तो आप खाना खाओ या तो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करो, क्योंकि खाने का जो सामान है वो प्राइस 3 गुनी बढ़ गई है। इस कारण लोगों को इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करना मुश्किल हो गया है। कितनी ठंडी है, और ठंडी भी बढ़ती ही जाती है। तो ऐसे समय में हम परमात्मा को पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। और परमात्मा ने भी प्रॉमिस दिया है कि जब जब धर्म ग्लानी होती है तब तब मैं अवतरित होकर अधर्म का विनाश और सद्धर्म की स्थापना करता हूँ। तो ये वही समय है अधर्म का विनाश करने के लिए। और हर एक व्यक्ति ने जाने अनजाने बहुत पाप कर्म करते रहे। सतयुग त्रेता में कोई पाप नहीं होता। द्वापर से 63 जन्म द्वापर कलयुग में पाप कर्म होते गए हैं, तो अभी पाप की अति हो रही है और दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। तो पहले तो अभी क्या करना पड़े कि भल हमारे पास बहुत ज्ञान है, हिस्ट्री ज्योग्राफी एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी आदि आदि, परंतु हम अपने आप को कई नहीं जानते हैं। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान का नाम रूप देश काल क्या है, ये जानते नहीं। भल भगवान में मानते सब है, और भारत में जितना धर्म में मानते हैं, भक्ति पूजा पाठ आदि करते हैं, और कहाँ भी नहीं करते। और भगवान को कहते त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, आप सब कुछ हो, माता पिता बंधु सखा विद्या देना टीचर गुरु स्वामी आदि, परंतु उनको जानते नहीं। तो पहले तो हमें आत्मा को परमात्मा को रचता और रचना को जानना चाहिए। क्या है कि जब राइट कनेक्शन होगा परमात्मा से तब तो हमें परमात्मा से शक्ति मिलेंगी। परमात्मा को कहते हैं सर्वशक्तिमान।
तो जितना हम उनको याद करेंगे हमारे में शक्ति आती जाएंगी। परमात्मा को टीचर कहते हैं, गुरु कहते हैं, तो परमात्मा से पढ़ना पड़े और परमात्मा वही पढ़ाते हैं हमें रूहानियत, आत्मा परमात्मा रचता रचना के बारे में। और गुरु के रूप में उनसे हमें गाइडेंस लेना पड़े, जिसको हम कहेंगे श्रीमत। तो जितना श्रीमत को फॉलो करेंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे। और श्रीमत कहती है पवित्र बनो, योगी बनो, ईश्वर को याद करो और निर्विकारी बनो, क्योंकि आधा कल्प संग दोष में विकार में हम फंसे रहे। अभी जितना निर्विकारी बनेंगे अर्थात माया को जीतेंगे, क्योंकि रावण को 10 शीश दिखाते हैं, वो 10 शीश क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, द्वेष, वैर, ईर्ष्या और तो इन सब को छोड़कर आत्मभान में रहना है। आत्मभान में रहने से हम मुक्ति, जीवन मुक्ति पा सकते हैं। इतनी भक्ति की, परंतु हमें अल्पकाल का सुख मिला, शांति मिली। अभी हमें परमानेंटली सुख शांति चाहिए, तो उसके लिए परमात्मा को जितना याद करें इतना कम है। धंधा दोरी भी करना है, घर भी संभालना है, माताओं को बच्चों को संभालना है, सब कुछ करते, काम काज करते हरि का नाम लेना है, यानी परमात्मा को याद करना है। और जब परमात्मा का परिचय मिल जाए, उनसे हम संबंध बांध ले, फिर याद करना मुश्किल नहीं। तो इसलिए ब्रह्मा कुमारी संस्था में नियम बनाया है, सवेरे 4 बजे से 4:45, फिर 6:30 से 7 बजे तक सवेरे, फिर शाम को 6:30 से 7:30 हम योग में बैठते हैं या परमात्मा को याद करते हैं। और जितना हो सके काम काज करते भी याद करते हैं और अटेंशन रखते हैं कि पुराने संस्कारों के वश होकर हम पाप कर्म ना करें। अभी पाप कर्म खत्म करने का समय है। जो विकारों की खाद आत्मा में है उसको निकालने का समय है। तो जितना हम अपने आप को पवित्र बनाएंगे और हमारे मित्र संबंधियों को पवित्र बनाएंगे, तो ये समय है अंधों की लाठी बनना।
जो भक्ति मार्ग में भगवान को ढूंढते हैं, अंधकार में हैं, उनको भगवान का परिचय देना है, जिससे वो भी पवित्र बन सके और परमात्मा की याद से शक्ति प्राप्त कर सके। तो भाइयों और बहनों, ये समय बहुत मूल्यवान है। इस समय हमें कोई भी पाप नहीं करना है, समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। हमारा बोल चाल संकल्प आदि आदि सब संभाल के करना है और पुराने संस्कारों को छोड़ नए सतो प्रधान संस्कार बनाना है, ताकि हम दुनिया को सतो प्रधान बनाए। क्योंकि समय है प्रकृति और दुनिया को सतो प्रधान बनाने का। तो भाइयों और बहनों, अभी रचता रचना को जान, आप अपना जीवन श्रेष्ठ बनाओ, यही हमारी शुभ भावना शुभकामना है। ओम शांति।